हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुपमा शेयर करूंगी घरेलू नुस्खे जो तो आंखों के नीचे जो काले घेरे हो जाते हैं तो ये फेस पैक लगाने से एकदम सही हो जाता है। तो बहुत आसान और इजी तरीके से आप इसको अपने आंखों के नीचे लगा ऐसे हो जाते हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात करूंगी, क्योंकि अगर विटामिन सी की कमी होती है तो आंखों के नीचे जो काले घेरे हो जाते हैं, अगर आपका डाइट सही नहीं, आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट सही ढंग से नहीं लेते हो, तो इस कारण से भी आपको आँखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, या आप अच्छे नींद नहीं ले पाते हो रात को बहुत देर तक। आसान तरीका है, अगर एक महीना कंटिन्यू आप यूज करते हो इसको, तो ये जो आंखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं ये एकदम सही हो जाएंगे। डार्क सर्कल जो होते हैं, इसको डार्क सर्कल भी बोलते हैं, तो ये एकदम बिल्कुल एकदम सही हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हैं और जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं अपने फेस को क्लीन कर लूँगी। आप कोई भी मेकअप या कुछ भी फेस पैक लगाते हैं तो उससे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। तो मैंने रोज़ वाटर लिया, ये देखिए गुलाब जल, तो इसको मैं कॉटन ले लूँगी, ऐसे आपको ऐसे लेना है और इसमें अच्छे से इसे डाल देना है ताकि अच्छे से ये डीप हो जाए इसमें, और पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना। पहले आँखों पे ऐसे कर लें, जो भी आपकी गंदगी होंगी, जो भी आपने मेकअप लगाया है सारा इसमें आ जाएंगे, और अच्छे से क्लीन कर लें। तो ये देख सकते हैं ऐसे पूरे फेस को क्लीन करना है। तो मैंने खीरा लिया है, खीरा का ये देखिए मैंने जूस निकाल लिया है ऐसे। तो आप चाहें तो ये मैंने कद्दूकस किया था, ये इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने कद्दूकस कर लिया था, इसी का मैंने जूस निकाला है। तो ये आप देखिए, ये मैंने कद्दूकस कर लिया था खीरा का, और ये चाहें तो आप इसको भी आप यूज कर सकते हैं रात में सोते वक्त। इसने ऐसे थोड़ा सा अपने लेना है और अपनी आँखों पर ऐसे रख के दोनों आइज पे रख के और सो जाना है, और कम से कम 30 मिनट या 45 मिनट आपको ऐसे रखना है। अगर आपको ज़्यादा उलझन लगे कि बहुत लोग परेशानी होती है कि क्या मैंने लगा लिया है, तो आप कम से कम 30 मिनट तो रखें इसको। अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं, अगर नहीं सही लग रहा है कि चलो इसको नहीं लगाना है, मुझे नहीं लगाऊंगी, तो आप इसका जूस निकाल लें खीरे का। और ये देखिए मैंने इसमें निकाल के रखा है, थोड़ा सा मैंने कद्दूकस किया था उसी का मैंने इसमें जूस निकाला है, ये देख सकते हैं। तो मैं इसमें ये छोटे वाले चम्मच से, ये छोटा वाला मैंने स्पून लिया है, इससे आप एक चम्मच इसको लें और एक चम्मच और ले लें, ठीक ऐसे। ये देखिए इसमें आप आधा चम्मच हनी ऐड कर लें। तो ये देखिए, तो इसमें मैंने एक चम्मच हनी ऐड किया है, आधा चम्मच नहीं। अगर 2 चम्मच आप खीरे का जूस ले रहे हो तो 1 चम्मच इसमें हनी ऐड करो। तो ये देखिए मैं इसमें ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं 5 बूंद मैं इसमें गुलाब जल डालूंगी। गुलाब जल तो जानते हैं कि ये भी जो डार्क सर्कल होता है उसको सही करता है, और हमारे चेहरे में एकदम ग्लो लाता है गुलाब जल। आप चाहें तो रोज़ गुलाब जल से अपना मसाज कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है फेस के लिए। तो ये देखिए ये सारे को मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसको कैसे अप्लाई करना है मैं आप लोगों को बताऊँगी। अगर आप इसको 1 महीना कंटिन्यू इसको अप्लाई अपने फेस पे करते हैं, जहाँ जहाँ पर डार्क सर्कल, बहुत लोग यहाँ पे डार्क सर्कल होता है या नीचे चेन के पास होता है और आइज के पास बहुत लोगों का होता है, तो सबसे पहले अपना जो आपका डाइट है, मॉर्निंग में अपना डाइट प्लान जिसमें विटामिन सी पाया जाता है वो अपने डाइट में शामिल करो। तो जिसको वो डार्क सर्कल है तो आप इसको 1 महीना कंटिन्यू आप यूज करिए। अगर सही हो जाता है उसके बाद भी आप ये नहीं कि आप छोड़ दें, उसके बाद भी आप कंटिन्यू यूज करें इसको। तो सबसे पहले तो इसको कैसे लगाना है, तो आप एक कॉटन की सहायता से भी लगा सकते हैं। तो ऐसे उसमें अंदर तक डिप करें, डालें और फिर अपने आँखों को अप्लाई करें, और या नहीं तो उसके बाद एक और तरीका है कि ये देखिए कैसे अप्लाई करना है। अपने हाथों पर ऐसे उंगलियों को डालना है इसमें अंदर, और फिर अपने आइज पे ऐसे अच्छे से मसाज करना है। तो कम से कम आप इसको 30 मिनट तक ऐसे ही मसाज करें, 30 से 45 मिनट तक,
इसको रखना है और दोनों आइज पे ऐसे ऐसे मसाज करना है और 100% गारंटी है कि आप एक मंथ आप यूज इसको करते हैं तो आपका डार्क सर्कल एकदम सही हो जाएगा। तो ऐसे अप्लाई करना है, कम से कम 45 मिनट तक ऐसे करें और मैं तो कहूँगी आप कम से कम एक दिन में 3 बार जरूर अप्लाई करें तो आपका डार्क सर्कल एकदम बहुत जल्दी सही हो जाएगा। और ऐसे ऐसे पूरा अप्लाई करना है और जहाँ जहाँ आपका ब्लैकनेस है, मतलब मान लो कि यहाँ पे भी बहुत लोग होते हैं, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरे फेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मिनट भी अगर ज़्यादा उलझन होता है तो 30 मिनट तक अप्लाई करें, उसके बाद ठंडे पानी से अपना फेस को वॉश कर लें। तो ऐसे ही अप्लाई करना है इसको। फिर बना के एक बार एक सप्ताह के लिए आप रख सकते हैं फ्रिज में इसको स्टोर करके, ये ख़राब नहीं होगा। पर आज के ज़माने में कौन नहीं चाहता कि हमारा फेस एकदम ग्लो करे और कोई भी डार्क सर्कल ना हो, कोई भी दाग धब्बे ना हो फेस पे। तो आप ये बहुत अच्छा है घरेलू नुस्खे, आप घर पे बना के इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान से आप अप्लाई करें कि आपको आँखों के अंदर ना जाए, नहीं तो आंखों के अंदर जाएगा तो थोड़ा सा जलन होगा। तो ऐसे तो मैं आज के साथ साथ अपने फेस पे भी थोड़ा सा मसाज कर ले रही हूँ कि मेरा फेस भी ग्लो करे। तो मेरा 45 मिनट हो गया है और मैं इसको इतना सारा है तो मैं इसको एक डब्बे में या ऐसे ही एक अच्छे से इसको एक डब्बे में मैं स्टोर करके रख दूंगी एक सप्ताह के लिए। तो एक सप्ताह तक मैं इसका यूज करूंगी और एक मंथ आप इसको अच्छे से कंटिन्यू आप यूज करें, आपका डार्क सर्कल 100% गारंटी है कि आपका डार्क सर्कल सही हो जाएगा। अगर और सही होने के बाद भी आप छोड़े नहीं इसको, कंटिन्यू आप लगाते रहें, इससे नुकसान नहीं होगा, हमेशा फ़ायदा ही रहेगा। तो देख सकते हैं मैं जाती हूँ अपने फेस को क्लीन कर जाती हूँ। तो गाइस जब मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है ठंडे पानी से मैंने वॉश कर लिया था, तो आप देख सकते हैं कितना ग्लो कर रहा है। जैसे आप एक मंथ तक इसको कंटिन्यू आप यूज करें, बिल्कुल 100% गारंटी है कि आपका डार्क सर्कल सही हो जाएगा। तो और अपने डाइट में विटामिन सी जरूर शामिल करें, क्योंकि विटामिन सी की वजह से और अच्छा भरपूर नींद लें और कोई टेंशन ना लें, नहीं तो इससे भी डार्क सर्कल होता है, आप ज़्यादा टेंशन लो तो उससे भी होता है। तो घरेलू नुस्खे बहुत अच्छा है, तो घरेलू नुस्खे बहुत अच्छा है, आप घर पर बना के आप यूज कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करिए। तो चलिए अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।